आगे जाना है या और आगे जाना है? एक शानदार मैसेज, आशीर्वाद फुल है, उसकी कोई कमी नहीं। मेघवंशी बचपन से पापा ने एक ही बात कही थी जो कि मतलब समझ आ गई कि कभी भी तुझे जो करना है वो करना। इंडियन फैमिली में ये सुनने को नहीं मिलता। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ आरसीएम, कि उनके पास आरसीएम का बैकअप था, उनकी मेहनत का बैकअप था, इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा कही जो तुझे पसंद है वो कर, कोई बाउंडेशन नहीं है। उन्होंने मुझे सपना देखना सिखाया और ज़्यादा से ज़्यादा सपना जीना सिखाया। सपना दिखाने वाले बहुत होते हैं, सपना जीना सिखाने वाला आरसीएम पापा ने सिखाया। थैंक यू सो मच। माय सेल्फ निकिता मेघवंशी, डॉटर ऑफ मिस्टर प्रहलाद राम मेघवंशी एंड यमुना देवी। मैंने रिसेंटली अपना एमबीए फिनिश किया है और पहले ऐसा था कि जैसे हमने बचपन से आरसीएम को जिया है, जैसे आरसीएम हमारे फैमिली का एक हिस्सा रहा है शुरू से, क्योंकि हम पैदा हुए तब से आरसीएम के प्रोडक्ट्स यूज़ करते आए हैं और हमेशा पापा को मीटिंग्स में वहाँ बैठ के हमने हमेशा सुना है। लेकिन आज पापा की वजह से आज हम यहाँ खड़े होकर आप सबके सामने बोल पा रहे हैं, तो आई एम मैनिफेस्टिंग जल्दी हम लोग पापा को इतना प्राउड फील कराएं कि हमारी वजह से पापा इस स्टेज पर बुलाए जाए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है पापा को आज पीछे खड़े होकर, खुशी भी है। देखिए इमोशंस कंट्रोल नहीं किए जाते, वो निकल ही आते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिखा विरोधिया है और मैं विजय विरोधिया की सबसे बड़ी बेटी हूँ। और सबसे पहले तो आरसीएम को थैंक यू, उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस लायक समझा हमें कि हम ये कुछ कर पाए। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए ऐसा कोई नहीं करता है। आरसीएम ये पहली कंपनी है और मैं ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं आरसीएम ना करूं, क्योंकि इसमें कोई रिस्क नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे आरसीएम से नहीं मिला है। मैंने किसी चीज़ पे हाथ रख दिया और वो मुझे नहीं मिली हो, क्योंकि मेरे पापा आरसीएम करते हैं। कल को मैं भी ये चाहूँगी मेरे बच्चे किसी चीज़ पे हाथ रखें और मैं उनको दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। मेरा नाम विनय विरोधिया है, मैं श्री विजय विरोधिया का लड़का हूँ। मैं अभी 11th में पढ़ रहा हूँ और अभी मैं 17 साल का हूँ सिर्फ। तो अभी मैं इस बिज़नेस को बचपन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं बचपन से इस बिज़नेस को देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मेरे पापा की जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी हेल्प करता हूँ। और इस स्टेज पर, इसी मंच पर पापा ने एनिवर्सरी प्रोग्राम पे कभी एक डायलॉग बोला था, बहुत ही बढ़िया, मेरा वन ऑफ द फेवरेट डायलॉग है। वो डायलॉग है कि आपको ये बिजनेस सब कुछ देता है, जो भी आप सोच सको सब कुछ। अगर आपको पैसा चाहिए यहाँ मिलता है, नॉलेज चाहिए यहाँ मिलता है, सम्मान चाहिए यहाँ मिलता है, इज्जत चाहिए यहाँ मिलता है, लोग चाहिए यहाँ मिलता है, तालियां चाहिए यहाँ मिलता है, गाड़ी चाहिए यहाँ मिलता है। ईच एंड एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ दिस बिजनेस कैन गिव यू। थैंक यू सर। हेलो, जय आरसीएम। मेरा नाम राशि विरोधिया है, मिस्टर विजय विरोधिया की सबसे छोटी बेटी हूँ। अभी मैं 18 साल की रिसेंटली हुई हूँ और मेरे पापा जी ने 18 साल की होते ही मेरी ज्वाइनिंग करवा दी है। अभी मैं इस बिजनेस में, मेरे पापा की भी इस बिज़नेस में होने की वजह से हमारे पास इतनी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ है। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़, इस स्टेज पर खड़े होना, ये माला, ये सब हमारी लिए एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज़ है। कहा जाता है कि एक बहुत फेमस डायलॉग है यूथ के लिए कि यू कैन नॉट सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, बट यू कैन सिक्योर यूथ फॉर द फ्यूचर। उस डायलॉग को मैं आज रॉन्ग प्रूव करना चाहती हूँ। आरसीएम की वजह से, इस मंच की वजह से आज आप अपने यूथ को भी, आप अपने यंग जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, अपने बच्चों को भी सिक्योर कर सकते हो और उसके साथ साथ उसके फ्यूचर को भी। जय आरसीएम। जोरदार तालियां दोस्तों। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि हमारी आरसीएम की बेटियां, हमारे आरसीएम बिजनेस की बेटियां जब शादी होकर अपने ससुराल में जाएंगी तो पता लग रहा है कि इनके हस्बैंड से ज्यादा ये कमाएंगी। हेलो, वो समय भी आने वाला है मेरे दोस्तों, और ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ इस बिजनेस के